सरदार वल्लभ भाई पटेल उर्फ हमारे इंडिया के आयरन मैन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई लंदन में जाके की थी, फिर वो हिंदुस्तान वापस लौट आए। आने के बाद हमारे देश की हालत बहुत खराब थी, हमारा देश आजादी की तरफ बढ़ रहा था और उन्होंने सोचा कि मैं भी गांधी जी के मार्ग पे चलना सीखूं। फिर उन्होंने कई सारे योगदान दिए। उनका पहला योगदान था जब खेड़ा जिला सूखे की चपेट में आ गया था, तभी उनका बहुत बड़ा योगदान था। इसी तरह से आजादी के बाद उन्हें हमारे देश का गृह मंत्री बना दिया गया। फिर 15 अगस्त 1947 को आजादी के बाद सब खुश थे, लेकिन हमारे देश में 562 रियासतें थी, उनके राजा थे, उनको एक आम नागरिक की तरह जीना सिखाना था। तभी कोई आगे नहीं आया था, लेकिन वो एक अकेले इंसान सरदार वल्लभ भाई पटेल आगे आए थे और उन्होंने साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके उन सारे राजाओं को एक आम नागरिक बनाया। इसी तरह से फिर एक काला दिन आया, 15 दिसंबर 1950 को उनका निधन हो गया। इसी के चलते 31 अक्टूबर 2013 को उनकी एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई, जिसे आज हम लोग स्टेचू ऑफ यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। वो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति कहलाई जाती है।